अमीर की अमीरता उसकी सोच और चरित्र से होती है, धन से नहीं। एक बार एक संत जंगल में ध्यानमग्न बैठे थे। वह आसपास की गतिविधियों से बिल्कुल बेखबर होकर भगवान की तपस्या कर रहे थे। तभी वहां से एक अमीर आदमी गुजरा और वो संत को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। जब संत ने आंखें खोली तो वह उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने थैले से 1000 सोने के सिक्के निकालकर बोला कि महाराज, मेरी तरफ से ये सिक्के स्वीकार करें। मुझे उम्मीद है कि आप इनका उपयोग अच्छे कामों में ही करेंगे। संत उसे देखकर मुस्कुराए और बोले कि क्या तुम अमीर आदमी हो? वह बोला हाँ। संत ने कहा कि क्या तुम्हारे पास और धन है? हाँ, घर पे मेरे पास और बहुत सारा धन है, मैं बहुत अमीर हूँ। क्या तुम और ज्यादा अमीर बनना चाहते हो? हाँ, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे और धन दे, मैं और अमीर हो जाओ। यह सुनकर संत ने उसे सिक्के वापस देते हुए कहा कि यह अपना धन वापस लो, मैं भिखारी से कभी कुछ नहीं लेता। वह आदमी अपना अपमान सुनकर गुस्सा हो गया और बोला कि आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन तुम तो रोज भगवान से धन मांगते हो, तो अमीर तो मैं हूँ, तुम तो भिखारी हो। अमीर की दौलत उसका चरित्र होता है, ना कि धन। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।